हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सभी लोग जुड़िए, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो आप सभी के क्लियर है। फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं जबरदस्त तरीके से। चलिए मुझे एक बार सभी लोग बेटा बता दीजिएगा, ठीक है? आवाज मेरी आ रही है आप सभी तक? ओकेगा। चलिए बताइए। बताओ भाई। अच्छा के बिल्कुल चिराग, वेरी गुड, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना भाई। रुक गया क्या वीडियो? अच्छा नहीं, सही है, ठीक है, सही है, सही है, सही। आइए चलिए। बिल्कुल 69th बीपीएससी आपका टारगेटेड बैच ये चल रहा है। और भाई ये भी गारंटी देता हूँ, पेपर में क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। लेक्चर नंबर 13, सुशांत पांडे मेरा नाम है, जैसा कि आप बचपन से जान रहे हो, तो वही भाई मेरा नाम है, ठीक है? आइए आगे बढ़े। पूछा गया है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो गवर्न किया जाता है या किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए, रिफ्लेक्स एक्शन की बात पूछी जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कैसे ये हो सकता है बताओ। बताओ भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहला क्वेश्चन है, धराशाही मत होना भाई, बस सही, धराशाही मत होना भाई, ठीक है? अगर पहले में ही फंस गए तब तो घबरा जाएगा काम। बिल्कुल चिराग का जवाब आ रहा है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, थोड़ा समझना। बिल्कुल मुस्कान, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपसे बोला रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क किसके द्वारा होता है सर? सर स्पाइनल कॉर्ड, समझिएगा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ। अब बात आती है कि सर स्पाइनल कॉर्ड तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे? बिल्कुल बेटा नमस्ते, सेशन को फटाफट शेयर करिए और लाइक करिएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भाग में बटा हुआ है, एक ब्रेन बटा हुआ है और एक स्पाइनल कॉर्ड बटा हुआ है, एक स्पाइनल कॉर्ड बटा हुआ है। अब आप खुद बताइए, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड तो कितना हो गया भैया? कौन सा हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। क्वेश्चंस ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है? बताइए, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? बताना भाई सभी। बताओ। अच्छा बिल्कुल सर, ये ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है सर? आपके पिट्यूटरी से निकलता है, पीयूष से आपका ये निकलता है, ठीक है? पिट्यूटरी से निकलता है ये। अगर इसके बारे में हम बात बोले, इसे हम कडल हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है? कडल हार्मोन, इसे कभी कभी पूछा जाता है भाई, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लेबर पेन में कौन सा हार्मोन आपके इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क रिलीज करने का, ठीक है? मिल्क रिलीज करने का, मिल्क बनाने का। अगर हम बोले कि मिल्क फॉर्मेशन, काफी बच्चे यहाँ गलत करते हैं, तो ये याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क फॉर्मेशन, ठीक है? प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क रिलीज करने का ऑक्सीटोसिन, ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज, बताइए भाई, गुप्त ऊष्मा की एसआई इकाई है वो क्या है लेटेंट हीट की? भाई क्लास का टाइम बताने के बाद भी आप लोग यार गायब हो। आइए चलो। थोड़ा समय से आया करिए भाई आप लोग।
बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल सर, जूल पर किलोग्राम, बिल्कुल क्या है ये, जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, आइए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताना है परावर्तन के नियम के अनुसार, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से बराबर होता है, या दोनों कोण हमेशा असमान होते हैं। क्वेश्चंस को समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे, और मैंने आपसे कहा ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइट आ रही है और ये जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आपको यहाँ देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा नियम क्या कहता है, मतलब इसी का दूसरा पार्ट क्या कहता है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन, मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, तीनों एक ही सतह पे आपके रहेंगे। अ पर्सन कांट सी, अभी भैया ये शुरू के 5-6 क्वेश्चन साइंस के, अब आपके आएंगे हिस्ट्री और पॉलिटी, ये सब शुरू हो जाएगी। अ पर्सन कांट सी फार ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर, दूर की चीजें नहीं देख पाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दूर की चीजें नहीं देख पाता है, बताइए। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करेंगे, फट से लगा देंगे दूर दृष्टि दोष, जल्दीबाजी में तुरंत लगाएंगे दूर दृष्टि दोष और वही वो हो जाएंगे गलत। होता क्या है, दूर की चीजें नहीं देख पाता है, तो होता क्या है, जब निकट दृष्टि दोष की बात आती है, निकट माने नियर साइटेडनेस, उस केस को कहते हैं नियर के पास है एम, ठीक है, मतलब एन के पास है एम, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। लेकिन आपके निकट की चीजें, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, निकट की चीजें आपकी बिल्कुल क्या होंगी, साफ दिखेंगी, और दूर की चीजें आपकी कैसी होंगी, ब्लर होंगी, धुंधली होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जवाब अभी बस आया हुआ है, विंध्याचल, चिराग, चिराग देखो मैंने बोला ना चिराग जाएंगे वही साथ जो दुनिया जाती है, चलो चिराग गलत कर दिया, मुस्कान, और बाकी लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कैसे इसका जवाब दिया जाए, क्या होना चाहिए। आइए, प्रेस बायोफिया, आप यहाँ बाइफोकल का इस्तेमाल करेंगे, एस्टिगमेटिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल का इस्तेमाल करेंगे। आइए, द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोफिया इज, जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला लेंस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, बेटा आप लोग जवाब दिया करो, ठीक है, मतलब मुझे पता है क्लास में हो, अच्छी बात है, जवाब दिया करिए, आपके लिए थोड़ी अच्छी चीज रहेगी। जीवीएस का आंसर बता तो दिया भाई, मायोपिया। आइए चलिए बताओ भाई, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं छोटा, अभी सही हो जाएगा। आइए चलो, बिल्कुल याद रखिएगा, जरा दूर दृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल क्या किया जाता है सर, बाईफोकल। ठीक है, प्रेस बायोफिया के लिए बाईफोकल, अगर इसी की बात करें तो इसे कहते हैं एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है। आइए, द इंडस वैली हाउसेस वर बिल्ट यूजिंग, इंडस वैली जो घर थे वो किसके बनाए जाते थे, कीचड़, ईट, पत्थर या बांस के। बताओ भाई, बिल्कुल सर, ये ब्रिक्स के बनाए जाते थे। आइए अंकित, थोड़ा नहीं तुम बहुत लेट हो बेटा, ठीक है, समय से आना सीखो, अभी सो के उठे हो क्या बाबू। द चंदुग्ध ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच वेद, चंदुग्ध ब्राह्मण जो होते हैं वो किस वेद से संबंधित होते हैं, ऋग, साम, यजुर या अथर्व।
बता भाई। अच्छा चलो बताओ, क्या मार्केट जाके आए थे, क्या खरीदने के लिए लाए भाई अंकित? चलिए बिल्कुल सर, ये सामवेद से संबंधित है, ठीक है, सामवेद, आय संगीत और सारी चीजें इसमें आपको दी गई हैं। कनिष्क ऑर्गेनाइज्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एज विट प्लेस। सर हिंट ले लो, कुंडल वन। अब आगे बताइए कहाँ पे, वसी में है, वैशाली में है, पाटलिपुत्र में या कश्मीर में? बिल्कुल आइए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये आपके कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में था, ठीक है। आइए, विच एमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म वॉज एडेड बाई महावीरा, महावीरा द्वारा, बताइए। सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइए बताओ क्या हुआ भाई, क्या हुआ यहाँ पे? विंध्याचल सतपथ किसमें सर? सतपथ बेटा यजुर्वेद में आता है, क्योंकि सतपथ शुक्ल और ये आपके यजुर्वेद में बेसिकली आता है, शुक्ल यजुर्वेद आप कह सकते हैं इसको। मुस्कान गुड मॉर्निंग, काजल गुड मॉर्निंग, चिराग, श्वेता, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, ठीक है। विंध्याचल, मुस्कान, चलिए आइए बताओ भाई, जैन धर्म के निम्नलिखित में से किसे सिद्धांतों बताया गया, बताइए फटाक से, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। एडवांस एडेड बाई महावीरा कौन सा है, देखते भाई जवाब, हमारी उम्मीद है सही दिए होंगे, ब्रह्मचर्य है ये, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट सोल्जर टू बी हैंग्ड फॉर द 1857 रिवॉल्ट? मंगल पांडे, महा दजी शिंदे या साहू जी या बटुकेश्वर दत्त? भैया हिंट के लिए ले लो, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बस इतना याद रख लो। आइए, अरे भाई आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हो, जैसे विंध्याचल ने क्वेश्चन पूछा बेटा, जब मैं उसको बता दिया तो एक थम्सअप दे दिया करो, तो मतलब ये समझ में आएगी, तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एक एक शब्द। आइए बिल्कुल, ये मंगल पांडे जी है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस, बताना है सहायक संधि किसने पेश की थी, बताइए। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड विलियम बेंटिक? भाई देखो, पहली बात तो इनका नाम याद रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सती प्रथा का उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन किसके साथ? राजा राममोहन राय के साथ, ठीक है, उनके प्रयास भी भाई इसमें बहुत लगे हैं, बताइए भाई। बताइए, बिल्कुल सर, ये लॉर्ड वेलेसली है, ये लॉर्ड वेलेसली है ये, ओके। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, यार बड़ा आसान क्वेश्चन है ये सर, 1885 की ये कहानी है, और AOUM इसके फादर कहे जाते हैं, AOUM स्थापना मतलब इसके भैया फादर कहे जाते हैं एक तरह से, ठीक है। अब बात आती है, पहले कौन थे सर? डब्ल्यू सी बनर्जी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो आसान हो गया होगा। हाँ ये भी, हाँ भाई सही कह रहे हो, लेकिन आज के समय में ऐसा थोड़ी ना होगा, आज के समय की तो कहानी भाई अलग है। डब्ल्यू सी बनर्जी, आई भाई ए कौन दिया यार? जिगर बेटा, तुम हमेशा गलत कह देते हो, मतलब फोकस में आने के लिए, जैसे मतलब तुम हमेशा गलत क्यों देते हो, मतलब फोकस में आने के लिए या ऐसे ही, मतलब पता नहीं, अभी शुरुआत किया तैयारी का। गांधी जी स्टडीड लॉ इन, बताओ भाई गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई कहाँ की थी? अब अगर ये बता दो तो मैं मान जाऊंगा भाई कि नहीं, तैयारी पूरा बढ़िया तुमने किया है। चलो बिल्कुल, एक बच्ची ने तो बड़ा सही जवाब दे दिया, ठीक है,
उसका नाम है भैया काजल। बताओ। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, 9 जगह इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या बात। अच्छा, कौन बोला है? जीगर बता रहे हैं, आपके साउथ अफ्रीका। जीगर बेटा, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे भाई, नहीं तो बड़ा मुश्किल। प्रशांत बता रहा है साउथ अफ्रीका। क्या बात है प्रशांत। ठीक है, खत्म है कहानी बेटा तुम्हारा। आइए, यूके में स्टडी किए थे प्रशांत, इसीलिए कहा जाता है अगर दिमाग एक जगह स्थिर लगाओगे, अगर ठीक है, जहां भी लगाओ एक अस्थिर लगाओ, ठीक है, उसको रिवाइज करो, पढ़ो, क्लास में रह आ जाते हो, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दिमाग में डालना सीखो। आइए, और ये प्रैक्टिस कहाँ की थी सर? साउथ अफ्रीका में। भाई देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास या आप सभी के पास, सभी को पता है कि सर 1400 cc का आपका दिमाग है, सभी के पास है। अब कोई उसमें से ऐसा होगा जो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है, ठीक है। अब पता चला इसी को, दिमाग को तुम बांट दोगे 4 भाग में कि भैया गर्लफ्रेंड को भी समय देना है, या यहाँ बॉयफ्रेंड भी लिख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे भैया अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं, फिर यहाँ पढ़ाई भी करनी है, और यहाँ मोबाइल भी देखना है, रील्स मतलब ये सारी चीजें देखनी है। तो बेटा एक बात बताओ, दिमाग तो वही है, अब बताओ जो बराबर वहां पे दिमाग लगा रहा है, जैसे कुछ लोग मछली देखने चले जाएंगे, इतवार का दिन मिला, रविवार का दिन मिला तो मछली देखने चले जाएंगे, तो भाई मछली देखने जाओगे तो दिमाग तो बांट दिया अपने आपने, तो मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो थोड़ा बेटा पढ़ाई कर ले भाई, और बाकी तो समय मिलता रहेगा मछली देखने का, जलपरी देखने का, जलपरा भी मिल जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। आइए, द लोकसभा फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड बाई, भाई वो क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 4 बार तो आपको मैंने करा दिया है, और आप अपने से प्रैक्टिस करते होगे तो पढ़ाई हो रहा होगा, फिर भी गलत करते हो यार। आइए, आइए, बताइए। बताओ भाई, सोच समझ के जवाब दो, फिर गलत कर रहे हो। और यहां पे तो सभी का गलत है। द लोकसभा समारोह, लोकसभा के डैश द्वारा समझो, लोकसभा समारोह की बात हो रही है भाई, फिर गलत कर रहे हैं, यहाँ डॉली का सही आ रहा है सिर्फ, बाकी सभी के सभी रटे रटाए आंसर, और उसी में अपना दिमाग को लगाते रहते हैं। महासचिव द्वारा होता है मेरे भाई, ठीक है, फिर वही बात, स्पीकर तो लग रहा था ना, लेकिन है थोड़ी ना भाई, ठीक है। स्पीकर का काम क्या होता है लोकसभा का? जो ज्वाइंट सेशन को क्या करता है, वो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है, और आर्टिकल भी पता है आपको 118 के एक में। अगर हम बताएं प्रेसिडेंट तो ऑप्शन ही नहीं था, तो नहीं तो आप कुछ लोग प्रेसिडेंट भी मारते, ठीक है, वही तो बात है, इसीलिए तो कहते हैं कि डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। आइए देखो, प्रशांत बहुत ताव में दिए भैया, स्पीकर होगा, शाबाश बेटा प्रशांत, बहुत अच्छे। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बताइए इन लोकसभा। अब अगर ये गलत दे दिए तो फिर तो भाई तुम्हारा ये गर्दन पकड़ के तोते जैसी तोड़ूंगा भाई, जैसे जैसे देखा होगा ना बंगाल वंगाल में क्या करते, बताते तोते की गर्दन तोड़ के क्या काला जादू क्या क्या करते हैं, वैसे ही बेटा तोड़ूंगा तुम लोग की गर्दन, बिल्कुल। चलिए सही आ रहा है, प्रशांत, काजल, चिराग, श्वेता, मुस्कान, वेरी गुड सर। 84 और 47, ठीक है, SC+ ST, तो 131 सीट है, ठीक है। आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बाई कैमरल, द्वि विधानसभा सदनीय विधान, बताइए द्वि सदनीय विधानसभा। आइए प्रशांत, अच्छा हमें लगा रिकॉर्डेड क्लास, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है प्रशांत, मतलब पहले महीने की पहली क्लास ही तुम्हें रिकॉर्डेड दे दें, क्या बात कर रहे हो यार। आइए यार, कैमरा सही नहीं आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कुछ ब्लर लग रहा है यार, अच्छा लग रहा हूँ भाई देखने में, ठीक ठाक लग रहा हूँ,
मुझे, क्योंकि कैमरा थोड़ा ब्लर लग रहा है, मुझे लगता है थोड़ा उसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा क्या भाई। लेंस लगता है तुम लोग की वजह से खराब हो चुका है यार कैमरे का। आइए चलिए, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश है भाई, ये मेरा उत्तर प्रदेश है, वो गाना सुने हो ना, ये मेरा उत्तर प्रदेश है। आइए, द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज, प्रशांत बेटा बहकाने से काम नहीं चलेगा बेटा, पढ़ाई करो। आइए आइए आइए, अरे भैया मतलब ऐसे हैं हम, लेफ्ट आई फूला है क्या सर? अरे भैया पूछो मत, कल इतना सोया हूं ना, कल आपकी पूरी क्लास कंप्लीट किया, मैं आपसे बोला था कि भाई आपको जुलाई के मंथ में पूरे लेक्चर्स कम से कम 2200-2300 क्वेश्चंस आपको दे दूंगा और रटवा दूंगा। उसके बाद कल बड़े आराम से सोया, 11 बजे सोया भाई, और उठा सुबह 8 बजे, 9 घंटा सोया एकदम। आइए, बिल्कुल ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ काफी लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं, अपना अपना तर्क दे रहे हैं, और सभी का लेकिन तर्क सही आ रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बहुत अच्छे। अरे नहीं, आई फ्लू बाहर निकलते नहीं तो आई फ्लू कहाँ से आएगा भाई। आइए, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन, हो सकता है कभी बाहर निकले आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तो भाई मैं घर में ही रह रहा हूँ तो बाहर से कोई मतलब ही नहीं। लियो सुधीर बोले इलाहाबाद, भाई ठीक है तुम्हारा काम। आइए आइए, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन, अरे भैया पूछो मत, कभी भी मैसेज आते रहते हैं, मैसेज तो यहां तक कि रात में 3 बजे भी आते रहते हैं। आइए बिल्कुल बताइए, फर्स्ट अमेंडमेंट, भाई सबसे आसान क्वेश्चन आज का पूछ रहा हूं आपसे, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था सर? 9वीं अनुसूची के लिए, याद है आपको 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951, जमींदारी प्रथा का अंत जो जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके लिए, तो याद रख लेना ये। एमरजेंसी आपके किस में दी गई है, और एमरजेंसी लिया कहाँ से गया है सर? जर्मनी से लिया गया है। एमरजेंसी आपकी 3 प्रकार की होती है, क्या हुआ? चलिए, अरे प्रशांत तुम्हारे नहीं होते, तुम्हारा जो प्रशांत है ना, तुम जो जिस नंबर पे करते हो, तुम्हारा एक अलग, तुम एक यूनिक नंबर पे करते हो भाई, एक अलग लेवल है तुम्हारा। आइए, 352, 356 और 360, ठीक है बेटा, ये नेशनल इमरजेंसी है, ये आपके राष्ट्रपति शासन जिसे आप कहते हैं वो है, ठीक है, वो राष्ट्रपति शासन है वो आपका, और ये आपका क्या है, वित्तीय है, ये आपके वित्तीय है। आइए ठीक है, हाँ चलिए, 18 में, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके बिल्कुल प्रशांत, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ, बताइए नेशनल यूथ डे, बताओ भाई नेशनल यूथ डे कब मनाते हो भाई? 12 जनवरी को मनाते हो या किस दिन मनाते हो भाई? ये तो पता होगा तुम्हें, आसान क्वेश्चन है। अच्छा काजल ने जवाब दे दिया पहले, ठीक है 12 जनवरी, हाँ नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी जा चुकी है, बिल्कुल 62, 71, 75, बिल्कुल सर, ये स्वामी विवेकानंद जी, हु रॉट द बुक तहकीकात ए हिंद, बताओ भाई तहकीकात ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है? सेशन को लाइक और शेयर भी किया करो भाई, ठीक अच्छा लगता है थोड़ा, बताइए तहकीकात ए हिंद किसने लिखी है भाई, ये मुझे बता दीजिएगा, बताओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं खतरनाक मिलेंगे आपको। आइए ओके, यहाँ पे बिल्कुल सी आ रहा है सभी का, बहुत अच्छे, अल बरूनी है बेटा, अल बरूनी। आइए, राउत नाच इज फॉक डांस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राउत नाच लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, बिहार, असम और छत्तीसगढ़, बताइए यार, सभी बड़ा तगड़ा जवाब दे रहे हो भाई, बिल्कुल सर ये छत्तीसगढ़ से। चलिए एक क्वेश्चन पूछें, ये मुझे बताइएगा
चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है ये बता दो, बस छोटा सा। हाँ अंकित, न्यू चैनल पे स्टार्ट होना है अभी, जैसा मैं बता रहा था ना, यूट्यूब पे कुछ इशू चल रहे थे जिसकी वजह से अभी तक नहीं बना। मुझे लगता है 3 तारीख से आपका नए चैनल पे चीजें जाएंगी, ठीक है? तो बिल्कुल सपोर्ट करिएगा सभी लोग, ठीक है? जो चैनल पे बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा क्लास करने को, ठीक है? फिर हम लोग बोल्ड पे क्लास स्टार्ट करेंगे। आइए बताओ भाई। बिल्कुल छत्तीसगढ़, बिल्कुल। इसे भैया आपको पता है भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, ये भी याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू रिसीव द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर? बताइए भैया, बताओ नोबल साहित्य प्राप्त करने वाले पहले चीनी कौन थे? भैया चीनी की बात पूछी जा रही है, बताओ भैया। लाल लालियों बताओ। बिल्कुल सर, ये मोयान, मोयान। आइए, विच प्लेयर हैज द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप? विच प्लेयर हैज द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप? मोयान देख के तो आधे लोग घबरा गए होंगे, फिर कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा गड़बड़ है। बताइए, बताओ भाई कौन है? सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इमरान खान और डॉन ब्रैडमैन? बिल्कुल ये तो सभी दे दोगे भाई, सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल हाँ, ए है बेटा। द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आती है लेकिन किस स्टेट से, ये पूछा गया आपसे, बताइए। बताओ भाई, देखते हैं हमारे लाल लालियों। ओके आइए, बिल्कुल। फिर यहाँ पे गलत कर में सुधीर तुरंत गलत कर दिए। बेटा आपसे पूछा गया है, सुधीर ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ा करो भाई। पूछा गया है कहाँ से एंटर करती है, आपसे ये नहीं बोला कहाँ बहती है, ठीक है? आइए, बिल्कुल सर ये अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से सर एंटर करती है। क्वेश्चन को ध्यान दिया करिए यार, क्वेश्चंस के सेंटेंस का ही सब खेल है भाई। आइए, आसाम में बहती है, बिल्कुल। विच, और उसी पे माजुली द्वीप है, ये जानते हो सभी लोग। विच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? बताना है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताइए। विच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? श्रीकांत सबसे ज्यादा रन बनाए थे, अच्छा ओके, वर्ल्ड कप में, ठीक है शाबाश। आइए, बिल्कुल सर ये महाबलेश्वर है। अच्छा अगर अमरकंटक बोल दे तो भाई आप नर्मदा कह सकते हो क्या? ये नर्मदा कह सकते हैं क्या अगर अमरकंटक की बात आती है तो? चलिए बताइएगा। अच्छा अगर हम मान ले गोदावरी कह दे, ये कहां से निकलती है? अगर मैं बोलूं गोदावरी का उद्गम कहां से है तो जल्दी से इसका कमेंट करिए आप, गोदावरी का उद्गम कहां से है? देखते हैं बेटा, वो ठीक है, मतलब कोई ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा पहाड़ होगा, कुछ तो ऐसा पठार। बिल्कुल त्र्यंबकेश्वर से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ रडार? रडार का मेन कंपोनेंट नहीं होता है, बहुत अच्छे बेटा। यार बढ़िया तैयारी तो है तो क्यों फिर, मतलब यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, फिर आसान क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। जैसे कुछ लोग भैया गांधी जी को भैया पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका बता रहे थे, ठीक है ये वही बताएंगे जो मछली दे दिन भर देखते रहते हैं। अरे भैया ऐसा मत करो, बताओ। देखो यहाँ पे बिल्कुल सुधीर सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड बेटा। ट्रांसमीटर रिसीवर तो होगा ही बेटा, ट्रांसमीटर नहीं होगा काजल बेटा, रेडार कैसे तुम देख लोगे? कुछ तो ट्रांसमिट करोगे, कुछ तो सिग्नल्स प्रोवाइड करोगे। आइए बिल्कुल बताइए, आइए ओके सी, बिल्कुल।
ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है सर ये। आइए, ये आया हुआ क्वेश्चन था किसी पेपर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड रडार इज मेनली यूज्ड, मतलब रडार मुख्य रूप से यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री, स्पेस, एयरक्राफ्ट या ऑल ऑफ द अबव, बताओ। किसकी हिंदी मस्त है भाई, लेखमय प्रसंस्करण इकाई भैया, खतरनाक है पूरा। आइए बताओ भाई, जिनको समझ नहीं आ रहा भाई आराम कर लो, सुबह सुबह का भी मॉर्निंग का टाइम है, 11 से अभी 12 के बीच मॉर्निंग ही है ना, ये कुछ लोग का दिमाग उमाग काम नहीं करेगा मुझे पता है, आराम कर लिया करो बाबू, थका मत करो। ऑल बिल्कुल सर, मिलिट्री में इस्तेमाल करते ही हो, स्पेस और एयरक्राफ्ट नेविगेशन देखते हो ना, जब आपकी जहाज, जैसे जब वो मूवी देखी होगी, कौन सी मंगल, कौन सी मूवी थी, एक मिशन मंगल, उसमें देखो कोई चीज अगर जाती है स्पेस में तो देखो पता चलता रहता है यहाँ किस लाइन में गई। आइए, बेकिंग सोडा इज सोडियम, भाई लिख लो NaHCO3, इसका नाम होता है सर सोडियम, और इतना आसान सर बाइकार्बोनेट। और आपको पता है हमारे शरीर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम किस रूप में जाता है, मैं लिख देता हूं, हमारे शरीर में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में जाता है, किस रूप में संचारित होता है, ऐसे लिख लो, किस रूप में संचारित होता है। तो याद रखिएगा सर, ये बाइकार्बोनेट के ही फॉर्म में होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से रिलेट करके बता रहा हूँ, दिमाग में रखते जाइए, सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अच्छा आप में से, अच्छा ये बताइए किसका कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, मुझे ये बताइए, सभी बताइए, फिर मैं एक चीज उसमें से रेशियो निकालूंगा, किसका कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, सब लोग अपना रेशियो रेशियो बताइए सभी लोग। उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बाय फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या बाय चेंजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आइए, अरे जीके जीएस का बताओ भाई, इंग्लिश तो क्या करोगे ध्यान के, आइए भाई, अभी जीके जीएस में अंग्रेजी का क्या काम, बता उत्प्रेरक क्या करता है पता है, सब में जीरो हो जिसका कोई ना, ठीक है वो क्या बताएगा, नहीं भाई जैसे बताओगे तो हमें कहा आपको बात बताएंगे ना, मैं ये कहना चाह रहा था भाई जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है तो फिर एक अच्छी चीज बताएंगे उसके लिए। देखो भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे कोई चीज एक्टिवेट होगी, अब पता चला आप एनर्जी ज्यादा दोगे ज्यादा दोगे ज्यादा दोगे ज्यादा, तब जाके यहाँ पे आई, कैटलिस्ट क्या करेगा उसको नीचे कर देगा, अब एनर्जी तुरंत आई काम कर गई, बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कोई क्या करती है कम कर देती है। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चंस का संकलन है, आप बहुत अच्छा भी तैयारी किए हैं, ठीक है जैसे मान लीजिए आपकी किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो एक ही दिन मुझे लगेंगे आपको धराशाही करने में, ठीक है मतलब एक ही दिन लगेंगे मुझे आपको धराशाही करने में भाई, इतने अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा आपके सामने ही वो क्वेश्चंस रहेगा, आप पढ़े भी रहोगे लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आप जवाब गलत दोगे, क्योंकि उस क्वेश्चंस के जो फ्रेमिंग होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। जैसे आपने सुना होगा कि इस बार IAS का पेपर बड़ा टफ आया था, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि समीक्षा अधिकारी का इस साल का पेपर बड़ा टफ आया, 2019 का ऐसे टफ आया, वो मे बेसिकली रीजन क्या होता है उसके पीछे, क्वेश्चंस वही रहते हैं, सब वही रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, फ्रेमिंग उसकी बदल दी जाती है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल दिया गया, और इसी को आप कहते हैं कि पेपर बड़ा टफ आया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अरे घटना चक्र में तो कुछ नहीं है अंकित, अभी भाई तुम मतलब अभी घटना चक्र पे ही ठीक है भाई, वो तो उसको पढ़ लिए फिर भी मैं कह रहा हूँ वो कंप्लीट कर लो, आप थ्योरी किताब पढ़ लो, क्वेश्चन के भैया स्टेटमेंट अगर आप समझ गए तो असली खेला वहीं से है।
हम धारा सही होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ठीक है बेटा, चलो एक दिन अभी जब बोर्ड पे क्लास लेंगे, ठीक है, जब नए चैनल पे, तो वहां पे आपको इतिहास के प्रश्न लाएंगे, खतरनाक वाले। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स हैज फोर चैम्बर। सिंपल सी बात है सर, रेप्टाइल्स में तो सर तीन होते हैं, एम्फीबियंस में भी सर आपके तीन होते हैं, एम्फीबियन में तीन होते हैं, रेप्टाइल में तीन होते हैं। अब ये जो तीन होते हैं, ठीक है, मतलब एम्फीबियन रेप्टाइल्स में तीन होते हैं, एक्सेप्शन है एक, कौन सा सर? क्रोकोडाइल का जो परिवार है ना, ये एक्सेप्शन में है, पूरे क्रोकोडाइल का जितना परिवार है। और किसमें होते हैं चार सर? मैमल्स में होते हैं, आपके पक्षियों में होते हैं, इनमें बेटा चार होते हैं। और आपके मछलियों में कितना होते हैं? मछलियों में सर दो होते हैं, ये याद रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस होते हैं, नवा पूछता है अकबर कब पैदा हुआ, इसमें पूछे औरंगजेब का परदादा। अरे यार, हाँ ऐसे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉट इज द पर्पज ऑफ एडिंग जिप्सम इन पोर्टलैंड सीमेंट? बताओ जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है भाई? ठीक है, जिप्सम होगा, लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, अब तो ये सारी चीजें आपको इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसमें दो ना, ना तो वार्म ब्लडेड कैसे हो जाएगा बेटा चिराग? कोल्ड ब्लडेड होगा ना, या ऐसे दोगे? कोल्ड ब्लडेड होगा ना भाई, जो दो चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, चार चैम्बर वाले जैसे पक्षी मैमल्स वो वार्म ब्लडेड होते हैं। आइए, हाँ शार्क इज अ फिश नॉट अ मैमल। बताइए, बिल्कुल, जो उसके जमने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको धीमा करता है और बड़ा अच्छे से भाई काम करता है। आइए, बिल्कुल, क्या हो गया चिराग बेटा? चलो आज हमको तुम बताए भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे एक नया ज्ञान लेके तुमसे, ठीक है भाई। आज तक तो हम यही आज तक जाने हैं कि दो और तीन चैम्बर वाले होते हैं कोल्ड ब्लडेड, और चार चैम्बर वाले वार्म ब्लडेड। भाई हो सकता है आपने नई जानकारी मुझे दी है आज, ठीक है, आइए चलिए, ठीक है। मैं तो भाई यही जानता हूँ, आपने नई जानकारी दी है तो भाई बिल्कुल उस पर गौर किया जाएगा, और बाकी बच्चे भी एक बार गौर करिएगा। लेकिन आज तक तो मैंने यही देखा है, हो सकता है चिराग आप बेटा कोई दूसरी किताब उठाए थे क्या मार्केट में, जैसे आती है दो वो वाली, जैसे नहीं आती है कि छोटी सी किताब, सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्न इसमें आपके हैं, एक ही पुस्तक में सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ऐसा नहीं ना पढ़ लिया था भाई? आइए, प्रशांत चार से ज्यादा चैम्बर मत रखना भाई, गड़बड़ा जाएगा काम। आइए, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, और सुक्रोज का जब एक मॉलिक्यूल जब आपका टूटेगा तो क्या बनेगा? तो बेटा चिराग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक लिया करो, उससे पढ़ा करिए, ठीक है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि चार चैम्बर जिनमें होंगे वो आपके वार्म ब्लडेड होंगे, ठीक है, गर्म खून वाले, और जिसमें आपके दो या तीन चैम्बर होंगे वो आपके कोल्ड ब्लडेड होंगे, ये मतलब याद रख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, सुक्रोज क्या बनाएगा सर? ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज का निर्माण करेगा, बिल्कुल। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत? मैग्नीज, आयरन, जिंक और मरकरी। बताइए, आयरन भैया पहली बात, आयरन पायराइट जिसे फूल्स गोल्ड कहते हो आप, इसे आयरन पायराइट कहते हैं बेटा, मैं लिख लो यहाँ पे आप, आयरन पायराइट, ठीक है। मरकरी भाई सीने बार। अब बताओ भाई, बी का ए खोज लो, काम आसान हो जाएगा तुम्हारा, और चार का सी खोज लो। बी का ए और चार का सी कहाँ मिला? देखो, चार का सी और बी का ए, काम सेट हो गया। अब सोचना ही नहीं है, मैग्नीज का भाई आप याद रख लो पायरोलुसाइट, और जिंक का कैलेमाइन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक
ठीक है आगे बढ़े। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट फ्रूट, बताओ भाई अब बताओ कंपोजिट फ्रूट क्या होता है भाई, कौन बताएगा इसमें से हमारे एक लाल लाली कोई बता दो कंपोजिट फ्रूट होता क्या है। बताओ चलिए आपको पता है जो एक फ्लावर से न होकर के वो पूरे पूरे आपके जितने भी हैं पूरे भाग उनसे डेवलप हो, मतलब सिर्फ एक फ्लावर से ना होकर के पूरे से बने, उन्हें क्या कहते हैं ये बताइए। बताओ भाई फटाक से बताइए कौन सा इसका उदाहरण हो जाएगा, एक खतरनाक वाला बताना है बताइए, देखते हमारे लाल लाली कौन इसका जवाब देगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ओके बिल्कुल ए ए ए कंपोजिट में चिराग बेटा तुम्हारे पूछने पहले मैं बता दिया, लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है आइए बिल्कुल मलबरी वेरी गुड, आइए पाइनएप्पल भी ओके रेडीज पाइनएप्पल सब बिल्कुल हाँ। और एप्पल को तो आपको पता है कि उसको पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है हाउ मेनी ए साइक्लिक चेन आइसोमर ऑफ C6H14 आर पॉसिबल, बताइए साइक्लिक चेन आइसोमर C6H14 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयी संभव है। आइए बताओ भाई कितने आइसोमर इसके बन सकते हैं, मतलब कितने तरीके से इसको आप लिख सकते हो, आपसे ये पूछा जा रहा है और बता सकते हैं आप कितने तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, आपका मन कितने तरीके से कर रहा है। अच्छा थोड़ा बड़े समझदार हो यार आप, मान लो मैंने लिख दिया 3 ठीक है, ए साइक्लिक है 4 और ये मान लो 5 और ये मान लो 6, यहाँ पे 3H गए यहाँ 2 गए यहाँ 2 गए कि जो जोड़ते रहिएगा 5 2 7 7 2 9 9 2 9 2 11 और 3 14। अब आप इसको लिख लीजिए, पहले एक इधर लेके जाइए यहाँ लिखिए या इस ठीक है इसे इसको यहाँ कर दीजिए एक में जोड़ दीजिए 2 3 4 ये टोटल 5 तरीके से लिखा जा सकता है, आराम से बैठ के लिखिएगा टोटल 5 तरीके से लिखा जाएगा ये। ठीक है एक बार इसको आप पता चला यहाँ कर दिए ठीक है, फिर एक बार इसको कर दिए फिर एक बार इसको कर दिए ठीक है, ये टोटल 2 इधर से करिए 3 आपके टोटल 5 बनेंगे, ये तरीके जो 5 दिए हैं सभी का सही। बेटा तुम लोग फटाक से 5 दे दिए यार बड़े तेज हो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी पोषण विधि, इसकी पोषण विधि हेलोफाइट है, बताइए हेलोफाइटिक बताओ, खतरनाक खतरनाक आज नाम मिल रहे हैं आपको, मुझे मुझे उम्मीद है, बताइए खतरनाक खतरनाक नाम मिल रहे हैं आज बताइए, हेलोफाइटिक इनमें से कौन हो सकता है, उम्मीद है सभी सही जवाब देंगे। आइए डॉली होता क्या है ना, प्री मेडिकल में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ क्या होते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जैसे उसमें जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है ठीक है उससे कुछ क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जैसे जो आपके बेसिक्स होते हैं वो आपके टेंथ में भी कुछ है, जैसे स्टैंडर्ड किताबों में क्लास टेंथ में भी मिल जाते हैं, जैसे अगर आप टेंथ की या नाइन्थ की SC वर्मा उठा के आप पढ़िए अगर तो वो नॉर्मल NCERT से एक बहुत अच्छा लेवल उसका है। ठीक है तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, एग्जामिनर भी क्या करता है कभी कभी ऐसा नहीं है कि उठा लेगा क्लास एट्थ की, वो भाई NCERT से भी अपडेटेड वर्जन कोई किताब उठा लेगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बन गया SC वर्मा के कॉन्सेप्ट उठा के उन्होंने दे दिया फिजिक्स का। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा भाई किसका सी आया ना, बिल्कुल सर ये आपका युग लेना है। ठीक है भैया हेलोफाइटिक जो सिर्फ आपके सॉल्टी में वाटर में ग्रो होते हैं ठीक है, सलाइन में आपके ग्रो होते हैं। ठीक है आइए चिराग एस फास्टेस्ट चीता, कौन भाई चीता है भाई आइए। अच्छा आप लोग जो जवाब दिए थे ना व्हाट इज द इस बार ओके हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड ऑन, आपको पता है बेटा अगर सच बताओ ना, जैसे NCERT अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं आपको NCERT पढ़ा रहा हूँ भाई, अगर NCERT मैं आपको अगर पढ़ा दूँ साइंस की ना तो बहुत सी चीजें आपको NCERT के हिसाब से आपको मिल ही नहीं पाएंगी,
मतलब थोड़ा एक कॉम्पैक्ट कर दिया है। अगर सच में आप देखो तो, अगर आप पेपर उठा के देखिए एसएससी का या पीसीएस का किसी का, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लिया और उसके बाद नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में सबसे कलाकारी है कि जो बॉक्स बने होते हैं ना, उसको जाके डीपली सर्च करिए आप, तब तो आपका एनसीईआरटी तैयार माना जाता है। बताओ हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे होता है? बताइए हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए। बिल्कुल सर, देखो हाइड्रोजन बॉम्ब की अगर हम बात करें, एकदम उल्टा काम है ये। न्यूक्लियर बॉम्ब किस पे काम किया? न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है आपके फीजन पे। तो याद रख लेना, हाइड्रोजन और सन एनर्जी, यहाँ लिख लो, और सन एनर्जी, और साथ ही साथ आपकी लिख लो जो तारों की ऊर्जा होती है, ठीक है, वो सब आपकी किसकी होती है? सर न्यूक्लियर फ्यूजन की देन होती है, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत भाई। फीजन कौन लिख रहा है? काजल फीजन लिख रही है, शाबाश बेटा, वेरी गुड बेटा। हाइड्रोजन बॉम्ब पूछा है, एटम बॉम्ब नहीं पूछा है, एटम बॉम्ब फीजन पे काम करता है बच्चा, ठीक है, एटम बॉम्ब आपके फीजन पे काम करता है बाबू, ठीक है, क्यों ऐसे कर रहे हो बच्चा? आइए, ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो है बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया सर, हाइड्रोजन बॉम्ब का इसलिए यूएसए। आइए, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स अनदर मीडियम, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर आ जाता है तो क्या होता है? बताइए, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, इट्स स्पीड डज नॉट चेंज, या इट्स वेवलेंथ डज नॉट चेंज, बताइए कौन सा है? हाइड्रोजन मतलब बेटा अंकित, मैं समझा नहीं, ज्यादा खतरनाक मतलब नहीं समझा। अच्छा, मुझे लगा बेटा आप लास्ट वाले का बता दिए, ठीक है, कोई नहीं, आइए भैया, भविष्य का ईंधन तो इसको माना ही जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को। इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, कभी भी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये एक छोटी सी चीज याद रखनी। अच्छा, वायलेट लाइट का रेंज कितना होता है ये बता दो। अच्छा, वायलेट लाइट का रेंज कितना होता है? देखो विजिबल का तो सभी को पता है, लगभग 400 से 700 कहते हुआ, ठीक है, ये लगभग आपका होता है 350 से लेके 650 के आसपास होता है। आपको बताना है वायलेट लाइट का रीजन इसमें से क्या है, ठीक है, वायलेट लाइट का रीजन इनमें से क्या है ये बताना है, बताइए बताइए। बिल्कुल 380 से लेके 450 तक, बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि रेंज आपने अगर थोड़ा सा समझना सीखा तो सर विप ग्योर अगर शुरुआत हो रही है तो सर हम पकड़ लेंगे यहीं से, बहुत अच्छे। H1N1 इज कॉज्ड बाई, H1N1 इसके द्वारा होता है, बताओ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, या आपके रीजन अननोन है भी? अभी कुछ नहीं पता है भाई, रीजन को अननोन रखा गया, छुपा कर रखा गया है अभी रीजन को। H1N1 इसके द्वारा होता है भाई, सबसे पहली बात तो H1N1 वायरस है, ठीक है, ये स्वाइन फ्लू का वायरस है, क्यों भाई? अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, H5N1, अब कहोगे सर ये बर्ड फ्लू का है, कैसे पता सर? अरे सर, एक नीरज 5 मुर्गियां खाता है। ओ भाई, नीरज से याद आया, एक नीरज था और एक नाम था उस बच्ची का, क्या नाम था भाई, एक रेनू मौर्या, एक नीरज, वो दोनों साथ आते थे और साथ जाते थे, दोनों के दोनों गायब हो गए, ठीक है, एक नीरज 5 आपके मुर्गा खाता है, तो बर्ड फ्लू याद रख लो। हाँ, इन नायलॉन द बॉन्ड बिटवीन इट्स मोनोमर, ठीक है, बताइए नायलॉन में जो बॉन्ड होता है मोनोमर्स के बीच में, वो कौन सा होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो पहले से कनेक्ट था, वो बस बताइए। बताइए
बताओ भाई, सोच समझ के। यहाँ देखो काफी अब गलतियां कर रहे हो आप भाई, गलतियां कर रहे हो। मैं आपसे बोलूंगा गलतियां कर रहे हो आप, अब फिर से सोच समझ के बता दो। यहाँ MIT दे रहे हैं भाई, वाह। बताइए बताओ आराम से, समय तुम्हें पूरा दे रहे हैं, बताइए पूरा समय दे रहे हैं, बताइए। बताइए भाई, फिर से समय ले लो भैया, फिर से समय ले लो। देखो गलतियां मत करो भाई, कौन सा बॉन्ड होता है। यहां से आपके लिंकेज, अच्छा बताओ कहीं पे लिंकेज की बात पूछी गई आपसे? यहाँ पे आपसे बॉन्ड पूछा गया, और गलती यही सब आप जब करते हो ना तो बड़ा दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है। बताइए बताओ भाई, जो आप ये गलतियां करते हो, मैंने आपसे लिंकेज पूछा क्या? विंध्याचल बेटा मेरी, हाँ हो गई भाई। मतलब क्यों भाई, अभी ऐसा नहीं लगता क्या हमें? भैया हमारे तार कब के जुड़ चुके थे, सिल्वर वाले? हमारे तो गोल्ड वाले जुड़े थे, ठीक है गोल्ड थोड़ा महंगा पड़ता है, वही वाला जुड़ा था मेरा। आइए बताइए, बिल्कुल देखो चीजों को समझिए। अगर लिंकेज पूछेगा तो आप लगा सकते हैं माइट लिंकेज, बट आपसे पूछा गया है तो आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लगाइएगा, ठीक है? ये छोटी छोटी गलतियां ही आपको बचानी है, ठीक है, करने से। लिम्फ इज प्रेजेंट इन, लसिका इसमें उपस्थित होती है, वेस्कुलर टिश्यू, कार्टिलेज, स्क्वैमस टिश्यू, नर्वस फाइबर। लसिका इसमें उपस्थित होती है, बताइए। बताओ भाई, आइए भाई, आप लोग के वो सभी दोस्त गए कहाँ यार? वो सभी दोस्त आपके बिल्कुल गायब से हो गए, मतलब मुझे दिखते ही नहीं है कभी, गलती से भी नहीं दिखते। आधा तो बचते होंगे ना मेरी क्लास में आने से कि अरे यार सर तो, मतलब बहुत लोग तो यही सोच के आते ही नहीं, भले बाद में रिकॉर्ड देख लेते होंगे लेकिन लाइव क्लास में नहीं आते होंगे। वस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतके। अब भाई बात तो ये है, अब बात ये फंस रही है कि सर ये आपके यहाँ कैसे मौजूद है? ये वस्कुलर, ये शरीर वाला मत लगा देना, ठीक है? ये शरीर वाला मत लगा दो यार, सही नहीं होगा, ठीक है? आदि हो गई काफी की। आइए कौन सी, जो हमारे वेस्कुलर्स जो होते हैं उसमें है, पेड़ वाला मत लगा देना भाई, ठीक है? द केमिकल नेम ऑफ हेवी वाटर। सर बड़ा आसान, बताओ बताइए, ड्यूटीरियम मोनोऑक्साइड या ड्यूटीरियम ऑक्साइड या ट्राइटियम या ट्राइटियम मोनोऑक्साइड, बताइए। बिल्कुल ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं, वेरी गुड। आइए हेवी वाटर इसको कहते हैं, बेसिकली इसको हेवी वाटर तो कहते ही हैं, इसका आप कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। डैश इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। ओके भाई सिल्वर तो पहले काट दो भाई, ठीक है? सिल्वर तो सबसे पहले काटना है तुम्हें, बाकी किसी को काटो या ना काटो, सिल्वर पहले को पहले काटो। बताइए बताओ भाई, बताओ सभी के सभी लोग, बताओ आपके दिन पढ़ाया था कूनी जिन, याद होगा आपको मैंने सटीक बताई थी कूनी जिन। अब बताइए कौन सा है, अब देखो हिंट मैं दे दिया कूनी जिन। ओके सी, क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो यहाँ क्या लिखा है, कू नी और जिन। अब देखो नी आपका पूछा गया प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, अब बता दो बेटा तो क्या फट से बताए हो, कॉपर है तो क्या निकिल नहीं है क्या भाई? है ना, तो इसका ऑप्शन आप देंगे 1 एंड 3, ठीक है? पट से जवाब दियो बेटा, बिना सोचे समझे जवाब तो बड़ा तेज देते हो भाई, एक चीज तो है, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा जवाब देख के मुझे। आइए एप्सम साल्ट इस कंपाउंड ऑफ,
मतलब कॉपर ज्यादा होता है, यहाँ लिखा है क्या? पूछा है ना आपको, प्रेजेंट पूछा है आपसे, ये बोला है क्या कि ज्यादा कौन सा होता है? बेटा ऐसा नहीं सोचो, बताइए। बताओ भाई, एप्सम सॉल्ट। बिल्कुल, यहाँ मैग्नीशियम आ रहा है। अच्छा भाई, अच्छा ऐसा होता है क्या? बेटा ऐसे ही पढ़ाई होगी तुम लोग की। और ये क्वेश्चंस मैं करा रखा हूँ भाई आपको, मतलब समय तो काफी हो गया, लेकिन आपको यार ये इतना आसान तो गलत नहीं करना चाहिए था। देखते हैं, बताओ। बताओ, देखते हैं। काफी बच्चे यहाँ पे भी कहेंगे कि अरे सर आइए, देखते हैं हमारे क्या लाल लाली बदलते हैं जवाब। कोई जवाब बदला क्या? कोई जवाब बदला क्या? अभी नहीं बदले। आइए, बिल्कुल बहुत अच्छे, याद रखिएगा सर, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं इसको, मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक है, लगे रहो भाई, बढ़िया से करो, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इट डज नॉट कंटेन इतना एटम्स, ओके, ठीक है, बताना है कि इनमें से इतना परमाणु नहीं है, ओके, ठीक है, बताइए। देखो भाई, एक चीज समझिएगा, हमेशा आपको कैसे निकालना होता है मैं बता दूं। जैसे अगर आपको ये निकालना होगा, ठीक है, देखो कैसे क्या लगता है। आइए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो ठीक है, एटॉमिक मास कितना है बेटा? एक, वहां का भी है तो एक है, ये बिल्कुल सही है भाई, समझते चलिए। नाइट्रोजन का 7 होता है, एटॉमिक मास 14, सही है। क्लोरीन का 35.5। यहाँ पे आपका गलत है, क्यों? अगर ये 12 ग्राम होता तब ये सही हो जाता, क्योंकि कार्बन का 12 होता। अगर ये 12 ग्राम रहता तब आपका बिल्कुल सही रहता, तो ऑप्शन नंबर आप इस पे लगा सकते हैं कि सर ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है आपका, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं सर? प्रिंसिपल, एजीमुथल, स्पिन एंड चौथा, बताइए भाई चौथा बताओ। यहां एन हो गया, एल हो गया, एस हो गया, और कौन सा होता है चौथा? अरे ठीक है, चौथा बता दो भाई, प्रिंसिपल, एजीमुथल, स्पिन और चौथा आप बता दो थोड़ा सा। बिल्कुल, और कोई, और कोई? देखो चार तो दुनिया जा रही है, ठीक है, चारों का नाम बता दो। बिल्कुल सर, मैग्नेटिक, याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में फंसा दिया जाएगा आपको, कभी कभी तो दे देगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल, आइए, द टर्म ऑफ इज ड्यूरेशन ऑफ कैग, बताइए। कैग के बारे में थोड़ा सा बताना है आप, बड़ा अच्छा लगेगा कैग के बारे में, बहुत सुकून मिलता है नाम सुन के ये, क्यों भाई? कैग का बताइए। बताओ भाई, यहाँ काफी लोग गलत अब करेंगे पक्का, ये ध्यान देना, यही सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैग आर्टिकल नंबर 148 याद है, चलिए। कैग करता क्या है ये भी बता दूं, कैग ऑडिट करेगा, राष्ट्रपति को ले जाके देगा, राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखेंगी, उसके बाद वो दे देगी पब्लिक अकाउंट कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आप जानते हो कि भैया टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी इसमें निकालेगी कि भैया घोटाला कहाँ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा सर। ये 6 ईयर होता है, 6 वर्ष होता है, 65 साल या 6 साल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आइए, बिल्कुल, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं रात 10 बजे स्टैटिक के धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, न्यू चैनल पे नया धमाका करेंगे और तगड़े तगड़े आले आपके टॉपिक वाइज जीके जीएस के क्वेश्चन, आप स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।
बिल्कुल 10 बजे मिलते हैं, और नए चैनल पे आपको करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? चलिए 10 PM स्टैटिक जी के मिलते रहिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो, ठीक है सर? धारा सही वाला मतलब बेटा विंध्याचल, अच्छा धारा सही वाला, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, चलो ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, सेशन को लाइक और शेयर भी किया करिए, ठीक है, चलो बाय बाय।